आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है गिनती की पुस्तक 26वां अध्याय वचन 52 से 65। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इनको इनकी गिनती के अनुसार वह भूमि इनका भाग होने के लिए बांट दी जाए, अर्थात जिस कुल में अधिक हो उनको अधिक भाग और जिसमें कम हो उनको कम भाग देना। प्रत्येक गोत्र को उसका भाग उसके गिने हुए लोगों के अनुसार दिया जाए, तो भी देश चिट्ठी डालकर बांटा जाए। इसराइलियों के पितरों के एक एक गोत्र का नाम जैसे जैसे निकले वैसे वैसे वे अपना अपना भाग पाए, चाहे बहुतों का भाग हो चाहे थोड़ों का हो। जो जो भाग बांटे जाए वह चिट्ठी डालकर बांटे जाए। फिर लेवियों में से जो अपने कुलों के अनुसार गिने गए वे ये हैं, अर्थात गेरशोनियों से निकला हुआ गेरशोनियों का कुल, कहात से निकला हुआ कहातियों का कुल, और मरारी से निकला हुआ मरारियों का कुल। लेवियों के कुल ये हैं, अर्थात लिबनियों का, हेब्रोनियों का, महलियों का, मूशियों का और कोरहियों का कुल। और कहात से अमराम उत्पन्न हुआ, और अमराम की पत्नी का नाम योकेबेत है। वह लेवी के वंश की थी जो लेवी के वंश में मिस्र देश में उत्पन्न हुई थी, और वह अमराम से हारून और मूसा और उनकी बहन मरियम को भी जनी। और हारून से नादाब, अबीहू, एलियाजार और इतामार उत्पन्न हुए। नादाब और अबीहू उस समय मर गए थे जब वे यहोवा के सामने ऊपरी आग ले गए थे। सब लेवियों में से जो गिने गए, अर्थात जितने पुरुष एक महीने के या उससे अधिक आयु के थे, वे 23,000 थे। वे इसराइलियों के बीच इसलिए नहीं गिने गए क्योंकि उनको देश का कोई भाग नहीं दिया गया था। मूसा और एलियाजार याजक, जिन्होंने मोआब के अराबा में यरीहो के पास की यर्दन नदी के तट पर इसराइलियों को गिन लिया, उनके गिने हुए लोग इतने ही थे। परंतु जिन इसराइलियों को मूसा और हारून याजक ने सीने के जंगल में गिना था, उनमें से एक भी पुरुष इस समय के गिने हुओं में न था, क्योंकि यहोवा ने उनके विषय कहा था, वे निश्चय जंगल में मर जाएंगे। इसलिए यपुन्ने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ उनमें से एक भी पुरुष नहीं बचा।